कॉटन मिल्स फाइनेंस्ड कलेक्शन, हर किस्म की मटेरियल भी दस्तियाब है। इंदौर कॉटन, अपोजिट पत्थर हाथी, नया बाजार, तीन खंडिल, रायचूर। रमेश ड्रेसेस लाया है रमजान का नया स्टॉक। जी हाँ, रमजान का नया खूबसूरत स्टॉक। कपड़ों के लिए एक बड़ा ब्रांड रमेश ड्रेसेस, जीरो साइज से लास्ट साइज तक, हर वो फैंसी और फैशनेबल कपड़े, हर एक की पसंदीदा शॉप, रमेश ड्रेसेस, कंप्लीट फैमिली शॉप, उस्मानिया मार्केट, क्लॉथ बाजार, रायचूर। नाज़रीन अदब एनडीए में आप तमाम का खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं, रियासत में इन दिनों असम्बली इंतखाबात की गहमा गहमी है। हल्का असम्बली रायचूर में अभी तक ना कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल किया है, ना ही बीजेपी के उम्मीदवार कौन है यह पता चल रहा है। हालांकि जनता दल सेकुलर के लिए विनय कुमार का नाम लिया जरूर जा रहा है, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया। इन तीन बड़ी पार्टियों की जानिब से अभी तक उम्मीदवारों के ऐलान का नाम नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी भी अवाम में ये बेचैनी और कन्फ्यूजन मौजूद है कि इस मरतबा कौन कौन इंतखाबात के मैदान में रहेंगे। कांग्रेस के ताल्लुक से बताया जा रहा है कि आज या कल उसकी तीसरी फेरी जारी होगी और ये इम्कान दिखाए जा रहे हैं कि इसमें हल्का असेंबली रायचूर के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाएगा। टेलीविजन जराये से मालूम हुआ कि कांग्रेस का जो इजलास हो रहा है उसमें बखिया जो हल्के बचे हैं उनके लिए दो दो उम्मीदवार हैं और उन पर गौर खोज किया जा रहा है। इस टेलीविजन जराये के मुताबिक हल्का असेंबली रायचूर के लिए साबिका रुकने काउंसिल एनएस भोसराज का नाम और साबिका रुकने जिला पंचायत असलम पाशा का नाम सामने आ रहा है और इन दोनों के नामों पर गौर किया जा रहा है। कल या परसों जब इस लिस्ट का ऐलान किया जाएगा, यानी इस फेरिस्त का ऐलान किया जाएगा, तो हो सकता है किसी एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो। इसी तरह बीजेपी के ताल्लुक से भी ये बताया जा रहा है कि हल्का असेंबली रायचूर के लिए मौजूदा रुकन असेंबली डॉक्टर शिवराज पाटिल को टिकट मिलेगी या फिर एक और डॉक्टर बसंतगौड़ा पाटिल को यहाँ से टिकट भी मिल सकती। अब दो दो उम्मीदवारों पर बात आकर ठहरी है, लेकिन दोनों में हो सकता है कि ये बात पूरी तरह वाजे हो जाए कि हल्का असेंबली रायचूर के लिए बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा और कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा। जहां तक जनता दल सेकुलर का सवाल है, उसके ताल्लुक से बताया जा रहा है कि वो कांग्रेस के टिकट फाइनल होने के इंतजार में है। कांग्रेस अगर माइनॉरिटी को टिकट देती है तो फिर विनय कुमार को टिकट फाइनल हो सकती है। अगर कांग्रेस माइनॉरिटी को टिकट देने के बजाय अक्सरियती तबके को टिकट देती है तो जनता दल सेकुलर का इरादा है कि यहां से किसी माइनॉरिटी उम्मीदवार को मैदान में उतारे। इन माइनॉरिटी उम्मीदवारों में मुख्तलिफ नाम सुने जा रहे हैं और उसमें बावसुख जराये से हमें यह भी मालूम हुआ कि खुद सीएम इब्राहिम भी हल्का असेंबली रायचूर से जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार बन सकते हैं या फिर वो किसी अपने करीबी आदमी को यहाँ का उम्मीदवार बना सकते हैं।